Hey, what's up guys? It's unboxing की दुनिया। I am Yash Gupta। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बादला कंपनी की एक्सप्रेस एस आयरन और स्टेशन की, मतलब जो अपना आयरन टेबल होती है उसकी रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो जो इसका बॉक्स है वो मैंने अलग कर दिया, और यहाँ पे अपन को इसके साथ एक बड़ा सा पेज मिलता है जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है बातला एक्सप्रेस एस आयरन और स्टेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिप्लेसेबल एल्यूमिनाइज्ड फेल्ट ब्लैक क्लॉथ रिफ्रेश हीट वाइल सेविंग 40% इलेक्ट्रिसिटी टाइम एंड एफर्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की टेबल लगती है फोटो पर, और यहाँ नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है 2 ईयर बातला ट्रस्ट वारंटी, लिखा हुआ है वायर मैनेजर क्लोथ स्टेकर मल्टी एडजस्टेबल लीवर टू सूट योर वेट एंड लार्ज ट्रे, और आयरनिंग एरिया देख सकते हो 109 वाइड और 37 लेंथ है इसकी 37 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी MRP 4299 रुपीज़ है, और यहाँ पे आप देखते हो मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर दिया हुआ है, और मेड इन इंडिया है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइज देख सकते हो 143 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लेंथ पे तर हाइट पे दिया हुआ है ये बताया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कस्टमर केयर अपन को मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस मिल जाता है। तो चले यार अपन स्टेबल को देखते हैं और देखते हैं किस तरीके की लगती है, उसकी क्वालिटी किस तरीके की अपन को मिलती है। अपन को इसके साथ एक टैग मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बातला, और साइड बात करते हो तो 2 ईयर बातला ट्रस्ट वारंटी दी हुई है, और कुछ इस तरीके के इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। और अब मैं बात करता हूँ साइड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपन को अपना जो प्रेस है वो रखने को मिल जाता है। ऊपर साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पे उस पर लिखा हुआ था कि वायर एडजस्टेबल है, तो यहाँ पे अपना जो वायर है प्रेस का वो लगा सकते हैं। और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की इसकी शीट मिलती है, आप देख सकते हो। शीट की क्वालिटी की बात करूँगा मैं ऊपर वाले हिस्से की, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की मिलती है। अब नीचे की तरफ आता हूँ मैं, तो कुछ इस तरीके का अपन को एडजस्टेबल मिल जाता है, ये नीचे होके बंद हो जाती है। यहाँ पे एक लीवर मिल जाता है, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अपन को एक ट्रे इस तरीके का कुछ मिलता है जहाँ पे आप अपने जो क्लॉथ्स हैं वो रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये लगती है, आप देख सकते हो इससे एडजस्ट होती है, और अपन इसको बंद कर देंगे तो ये अपने आप नीचे हो जाएगी। और इसके जो मैं नीचे साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपन को इसके नीचे रबड़ मिल जाती है लगी हुई, जिससे अपने जो अपना फर्श है जो अपनी नीचे की ज़मीन है उस पर स्क्रैचेस नहीं आते हैं। इस स्टैंड की क्वालिटी की बात करूँगा तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मिल जाती है अपन को। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है एक्सप्रेस एस आयरन स्टेशन बातला कंपनी लिखा हुआ है, और ये बताता हूँ कि जो इसका लुक है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये कहूँगा कि जब आप इससे इसके ऊपर स्टीम करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया अपन को तरीके से स्टीम देगा, आपके ये पैसे भी बचाएगा। और यहाँ पर जब मैंने आपको दिखाया था कि रिफ्रेक्स हीट वाइल सेविंग 40% इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम एफर्ट मिल जाता है अपन को, यहाँ पे नोट है एक कि डू नॉट यूज़ एक्स्ट्रा फैब्रिक फॉर आयरनिंग ओवर द आयरन टेबल। अगर आप इस टेबल के ऊपर कपड़े की बात करता हूँ मैं, तो ये कुछ इस तरीके का कपड़ा मिल जाता है अपन को सिल्वर कलर में, और उसमें लिखा हुआ था कि जब आप एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा यूज़ ना करें, इससे थोड़ा सा जल सकता है मेरे हिसाब से। और मैं अब आपको इस टेबल का पूरा लुक देता हूँ कि ये किस तरीके की अपन को लगती है रखी हुई। इसकी हाइट बहुत बढ़िया मिल जाती है अपन को, इससे अपन कंफर्टेबली बहुत आराम से प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चला मिलूंगा अगली वीडियो पर।